गलती से हमने 189 का ऑर्डर किया था स्विगी। आज तो दिन बन गया भाई का अनबॉक्सिंग। वो सच कह रहा था मैडम, आपने अपना फ्लैट नंबर या कुछ तो लिखे ही नहीं, एड्रेस बता नहीं रही मैं क्या है, सॉरी। सो मैं सोच रही हूँ कि अब ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि बेसिक सा ही ब्रेकफास्ट बनाऊँ। ब्रेड में मैं एग डाल, मतलब एग में मैं नमक मिर्च बस मिक्स करती हूँ और यस एंड चाय के साथ हम वो ब्रेड पे लगाकर ऐसे खा जाते हैं। सो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना, मुझे इस टाइप के गाने ये लास्ट ब्रेड भी डाल देती है इस पे। ओके तुम ले जाओ ये ब्रेकफास्ट, ठीक है? वाओ एडी रिश्तों के बिल्कुल बदलते हैं यहां। गैस बंद नहीं करी मैंने, चल 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 पागल ना मारूंगी ना। रख दी बाबू, हो गया। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट हमारा, मजे आ गए। बहुत अच्छे से ब्रेड सिकी हुई थी, काफी सारा घी भी डाला था, एक रीजन हो सकता है। चाय ना मेरी हल्की सी आज फट गई है एंड बट नहीं भी नहीं फटी, पता नहीं फटी चाय पीनी चाहिए कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं पीनी चाहिए बट आई डोंट थिंक उतनी फटी है, बट चाय अच्छी बहुत बनी है। लोगों को लग रहा होगा कैसी है फटी चाय पी रही है, बट अच्छी भी बनी है। थोड़ी सी पी के छोड़ दूंगी मैं बाकी चाय। बाबू आज बड़ा देर से खा रही है, ब्रेकफास्ट क्या हो गया? धीरे धीरे खा रही है, नींद टूट गई ना इसलिए ना बाबू की। सो मैं फाइनली ये चाय नहीं पी रही हूँ फटी हुई, बिकॉज अब इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। गुड डिसीजन, हम मैं नहीं पी रही इसे। सो ये मैंने अपनी मेडिसिन ऑर्डर करी थी टाटा 1mg से, डिलीवर नहीं आ रही अभी। टाटा 1mg मुझे काफी अच्छा लगता है, वहीं से मेडिसिन ऑर्डर करती हूँ। कितने न्यू कॉइंस मिले? आई एम नॉट अ पेपर, आई एम अ प्लांट। व्हाट इज दिस? अरे वो कुछ उनका वो होगा CSR इनिशिएटिव। ये कह रहे हैं कि कहाँ है प्लांट, इसको सोक करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हो सकता है। How can this be a plant, man? उसमें सीड्स होंगे। आई एम नॉट अ पेपर, आई एम अ प्लांट। हियर्स हाउ यू कैन हेल्प मी ग्रो, व्हाट इज दिस न्यू थिंग? सी इट्स रेवोल्यूशनरी। अरे बैंगलोर में कंपनी कर्मा टिप्स, तो उनके जो सिगरेट बट्स होते हैं ना उसमें से मतलब लाइक सीड्स होते, तो अगर जो कहीं पे गमले में फेंक देते तो वो उग जाता है। हाँ क्या हो? क्या फेंक देते उग जाता है? सिगरेट बट्स में वो सीड्स इम्प्लांट करते हैं, तो व्हेन समवन थ्रोस देम इन ए गमला, मुझे लग तो रहा है। और ये प्रॉपर कह रहे हैं इस पेपर को सोक कर दो, दे करें और तो हमारे पास चल कर देंगे। मिट्टी लानी पड़ेगी कहीं से, ले आएंगे। हलुए तो वैसे ही हैं। सो एनीवे हमने मेडिसिन
मेडिसिन ऑर्डर करी थी। ये अच्छा है कि लोग अब ऐसे इन चीजों में पैक करते हैं ना, ग्रीन पैकिंग इनके चार्ज लगता है, बट अच्छा है ये सब। अच्छा तो है। तो ये मेरी न्यूरोपैथिक पेन की मेडिसिन है। इसमें से मेरा कौन सा है? नहीं मैं ऑर्डर नहीं करी, तेरा कैल्शियम डिसाइड करना था कौन सा करना है, तब फिर ऑर्डर करते हैं। ओके आईडी ओके। सो ये मेरी वो है एंड ये मेरी कैल्शियम और इसमें थोड़ा वाइटामिन बी ऐसी चीज है। ये मेरा पीसीओडी के मेडिसिन है। दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? नो। सो मैंने नाइका से ऑर्डर किया था एंड मेरा जस्ट अभी ऑर्डर आया है। सुनना वो डिलीवरी करने वाला छोड़ गया। He was like, why are they switching on the camera? Yes, and ये मेरा ऑर्डर आया है। सो अभी मैंने स्विगी से ऑर्डर करा है। सीजर ले लेती हूँ। एक्चुअली हम लोग लंच के लिए थोड़ा लेट हो गए तो अभी चिकन का तो मैं रेसिपी देख रही हूँ, तब तक अलंकार ने अपनी चॉपिंग स्टार्ट कर दी है एंड वही चिकन के लिए हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए थी। सो मैंने स्विगी से ऑर्डर करा है। नाइका वाला पैकेट तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। कुछ ज्यादा ऑर्डर्स हो गए आज। सो ये सारी चीजें आई हैं। एक तो चिकन आया है लिशियस का, ये फ्रिज में जाएगा एंड देन और क्या है, दही आया है मे बी चिकन के मैरिनेशन में अगर जरूरत पड़े। ये तो कुछ फालतू का क्या है ये जो भी है एंड नींबू आए। अलंकार इस बार नींबू बड़े बड़े आ गए। इस बार बड़े नींबू कितने, 2, 4, 6 आए हैं। चल 10 के, हाँ 10 के 6 समझ ले वैसे हैं। एंड देन खीर, हाँ खीरे मैंने मंगवाए। बस ये दूध का पैकेट है। अनपैकिंग तो हो गई मेरी, बस ये वाली 2 चीजें बची है, इसे मैं रख दूँ। और ये थके में से यहाँ रखती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा प्लेटफॉर्म किचन का गंदा हो। ये वाला कूड़ा मुझे बस बाहर फेंकना है। ये इतने सारे रोज ये हवे कलेक्ट हो जाते हैं, समर्स है तो ये डेली मेरे डोर के बाहर आ जाते हैं। तो वेजिटेबल्स हम लोगों की सारी कट गई हैं, ये जिंजर गार्लिक एंड ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। सो बड़ी इलायची वगैरह नहीं है मेरे पास, जितना है इसको मैं हल्का सा भून रही हूँ। एंड ये मेरा चमचा, ये मेरा मैरिनेशन का मसाला हो गया। ये कढ़ाई में ऐसा कुछ मैंने भून लिया है एंड चिकन को मैं बस मैरिनेट कर देती हूँ। आज हमने स्मॉल करी ऑर्डर किया था बट इन्होंने ना इतना बिग करी वाला पीसेस भेज दिया है। वैसे तुझे क्या लगता है, कंप्लेन करते अगर हम तो वो अनसब्सक्राइब करें? एक्चुअली मेरे दिमाग कुछ और चल रहा है। एक्चुअली चिकन देख के मेरे दिमाग में एक कॉमेंट याद आ गया, किसी ने ऐसा बोला था कि आप नॉनवेज बनाते हो और मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कि हमें रिफंड मिल जाता अगर हम कंप्लेन करते तो? फ्री का चिकन खाने की दावत हो जाती आज तुम्हारे यहाँ। हमें आज गलती से बोनलेस चिकन आ गया है, हमने पैसे इसके कम ही दिए है ना। क्यों ये पूरा का पूरा, कैन यू इवन सी इट, दिस इज बोनलेस मैन। मेरे को तेरे पे शक हो रहा है। एंड तूने इसकी डेट चेक करी बेबी? ये मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं, एक सही चिकन तो है ना ये? डेट इस पर 24th अप्रैल की रखी थी। यूज बाय में आज 23 है। चल ठीक है। सो क्या हुआ है कि हमने ये लिशियस का चिकन करी कट स्मॉल पीसेस ऑर्डर करा है जो 189 का है, ठीक है। एंड गलती से स्विगी ने क्या करा है, मैंने अभी चेक करा ये चीज, ये गार्बेज बैग से मैं निकालती हूँ। तो ये इस पे देखो, ये यहाँ लिखा है चिकन ब्रेस्ट बोनलेस एंड यूज बाय 24th अप्रैल है एंड 329 रुपीज का है। गलती से हमने 189 का ऑर्डर किया था स्विगी। आज तो दिन बन गया, हम जैसे गरीब तो कभी बोनलेस ऑर्डर करे ही ना। एंड 500 ग्राम्स ना, तो 1 kg आ जाता तो दावत ही जाती। सो हमें गलती से स्विगी ने बोनलेस दे दिया है 329 का एंड यस आई एम बहुत ही सही गया यार, मुझे आ गया। ये अलंकार हर बार कांड करवाता है, ये आलू के इतने बड़े बड़े पीसेस डाल दिए हैं कि चिकन पहले बन जाता है, आलू बनता नहीं है। फिर चिकन के पीसेस निकालो सारे बाहर और आलू को बनने दो, ना यही करते रहो। पीसेस देख कितने मोटू मोटू आए यार, ये बहुत ही फाटू। तो ये वो कल क्या बेबी राइनो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, वैसा नहीं लग रहा? ये बच्चा अपना राइस सर्व कर रहा है। माइक कुची पुची कुकू। तो बिकॉज आज संडे है इसलिए टाइम मिला है तो मैं सैलेड वगैरह मैंने सब कट करा है। इनफैक्ट इसमें तो मैंने नींबू भी डाला हुआ है एंड कर्ड वगैरह हम सब कुछ खा रहे हैं अच्छे से। आई का अनबॉक्सिंग, वो सच कह रहा था मैडम आपने अपना फ्लैट नंबर या कुछ तो लिखा ही नहीं, एड्रेस बता नहीं रही मैं क्या है, सॉरी सही कह रहा था, लिखा ही नहीं है एड्रेस, हाउस नंबर। बट मैंने नायका में लिखा था आई गेस, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। अरे नहीं तो गिर जाएगा ना, मतलब इतनी कीमती चीजें हैं, कॉस्टली चीज है तो मतलब कैसे वो होगा। और अगर तुम्हारे आइटम को कुछ हो गया तो तुम उनकी तहस नहस मचा दोगे, है ना? मैं नहीं खोल रही। खोलो खोलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितना कूड़ा निकल रहा है देखो। दो बॉडी लोशन आए रिसेंटली, हमने काफी सारे बॉडी लोशन लिए।
पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी हमने हैंड वॉश थोड़ा हार्श ले लिया है। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो है, बिकॉज मेरे भी हाथ एकदम ड्राई हो रहे हैं ऐसे। या सो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, 300 रुपए का मिला था मुझे बस, ये एमआरपी इस पे 425 लिखी है। एंड यस, हमें लग रहा था ना कि उन्होंने एक्सपायरी लेट की, मतलब बेकार एक्सपायरी होगी, नहीं एक्सपायरी ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। एंड ये बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर आया है, बायोटिक का सबसे अच्छा होता है। एक्सपायरी ठीक ठाक है, इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग जनवरी का है। श्योर, 220 का ये मुझे 150 में मिला था। मैं अपने ऑफिस वाले बैग में रखूंगी, आई बैडली नीड अ मॉइस्चराइजर, मैं जॉनसन के यूज करती थी, अब मैं नहीं उसे यूज कर सकती, उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग नहीं होता है, नॉन ग्रीजी उनका इसलिए। अब कह रही हो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। काफी दिनों बाद मैंने सफेदा आम अच्छा खाया है। मैं तो ऐसा सोचने लगी थी सफेदा आम अच्छा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? अच्छा सा एंड खट्टा सा होता है यूजली, बट ये प्रॉपर पका हुआ, खुशबू भी बहुत अच्छी है, ऑरेंजिश थोड़ा टेक्सचर है। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है, बिकॉज जब मैं दूर से खड़ा था, दूर से मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अच्छा लगा था। नहीं अच्छा लगा। तुम आम क्यों नहीं खाते हो? अरे मेरा पेट बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है आम खाने से। मैं एक टाइम पे बहुत आम खाता था, लेकिन मेरा पेट इतना दर्द किया ना, मेरे लूज मोशन होने लगे, तो मैंने खाना छोड़ दिया। कोविड के बाद से ऐसा हुआ है? कोविड के पहले से ही होता था। तो तुम्हें एक आम खाना चाहिए ना, तीन आम खाए होंगे, तीन चार तब होता है ऐसा। ये बेवकूफ एक्सरसाइज कर रहा है, मैं तेरे से बोलती हूँ ऑफिस में ब्रेक ले लिया कर, तीन तीन घंटे तो चेयर पे बैठा रहता है क्यों? ओहो ओहो बाबू सुनना, ब्रेक तो लेता नहीं है, बैक पेन तो हो गई ना तुझे। ब्लॉग को ही पेन करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर से मिलते हैं एक और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।